जय श्री राम, जय सन्यासी बाबा, जय बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बागेश्वर महाराज का शिविर कहाँ पे लगने वाला है और जून में ये कहाँ पे लगेगा। तो इस समय 26 और 28 जून को ये जो शिविर है, ये विशेष रूप से हम एक तिथि की जानकारी आपको हम देंगे। तो ये जो तिथि की जो जानकारी है, महाराज श्री का जो शिविर है लगने वाला है, नेक्स्ट पहली वाली जो हमने जो वीडियो थी उसमें हमने जानकारी दी है पूरे महीने में जून में ये शिविर कहाँ कहाँ लगेगा। आज हम विशेष रूप से जो जानकारी देने वाले हैं वो जून की महीने की देंगे, 26 और 28 जून को ये शिविर कहाँ पे लगेगा। तो ये 26 और 28 जून को जो शिविर जो लग रहा है, आप कॉपी पेंसिल लेके या किसी नोटबुक पे आप लिख सकते हैं अगर आप वहाँ के निवासी हैं तो ये 26 और 28 जून को राजगढ़ मध्य प्रदेश में ये शिविर लगेगा। राजगढ़ मध्य प्रदेश में लगेगा, कहाँ पे लगेगा इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये जो शिविर है ये 4 दिवसीय भी लग सकता है। बागेश्वर महाराज कुछ हो सकता है इसमें अपडेट कर दें या लोगों के कहने पे उनकी इच्छाओं के अनुरूप जैसी आवश्यकता पड़े, तो 4 दिवसीय भी लग सकता है। इसकी पूरी जानकारी नहीं 4 दिवस का लगेगा, लेकिन ये कन्फर्म है ये 26 और 28 को लगेगा ही लगेगा। तो राजगढ़ मध्य प्रदेश में लगेगा 26 और 28 को, ये 4 दिवसीय लग सकता है। और एक दिन का ये दिव्य दरबार लगेगा। एक दिन में जो दिव्य दरबार लगेगा महाराज श्री, उसमें लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे, लोगों ऊपर जो भूत वादा प्रेत वादा है, जो भी परेशानी है उसको दूर करेंगे। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो मान के चलो तो 26 तारीख से लगेगा, तो आप जो है 25 तारीख को वहाँ पे आप चले जाइए, क्योंकि 5-6 लाख की संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु की आने की आशंका है। हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, तो अगर आप एक दिन पहले चले जाएंगे तो जो आपको कन्फर्म तरीके से वहाँ पे जगह मिल जाएगी देखने के लिए, रहने के, बैठने के लिए अच्छी तरीके से। तो आप एक दिन पहले वहाँ पे जाना। और ये कहाँ पे कौन से स्थान पे लगेगा इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये जो दिव्य दरबार जो लगने वाला है, इस आयोजन में करीब 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के पहुँचने की का अनुमान लगाया जा रहा है। और ये स्थान जो है खजनेर रोड में है, राजगढ़ मध्य प्रदेश, खजनेर रोड राजगढ़ ब्यावरा के मध्य व परेड ग्राउंड, खजनेर रोड में है, ब्यावरा के मध्य है, परेड ग्राउंड है। परेड ग्राउंड के अलावा जो है खिलचीपुर के खेल मैदान व जीरापुर खिलचीपुर के मध्य लगेगा बागेश्वर दरबार। मतलब इन दोनों के बीच में लग सकता है, जीरापुर और खिलचीपुर जो परेड ग्राउंड है, जो खेल मैदान है, या तो खेल मैदान में लगेगा या परेड ग्राउंड में लगेगा, मतलब इसमें ही कहीं ना कहीं ये दोनों में लगेगा। तो आप अपने अनुसार जो है वहाँ पे आप पहुँचिए और अपनी समस्याओं का समाधान करिए, बागेश्वर महाराज का भजन करिए। हो सकता है कि आपका भी नंबर आ जाए, महाराज श्री आपकी अर्जी को स्वीकार कर लें। तो हम यही आशा करेंगे कि जो है अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बताएंगे कि जो 26 और 28 जून के बाद में जो लास्ट जो दरबार होगा वो 29 और 30 का वो कहाँ लगेगा। तो इसके बारे में हमने पहले वीडियो बना के डाल दी है पूरे महीने की। तो ये 26 और 28 के बारे में आपको हमने बता दिया है। अगर अब ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो हम अगली वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुँच जाएगा इसका नोटिफिकेशन, और आपको पता चल जाएगा कि बागेश्वर महाराज जी का जो दरबार है ये कहाँ पे लगेगा। इसलिए आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर महाराज, जय सन्यासी बाबा की जय।